बहुत जल्द झारखंड के युवाओं को डॉक्टर, नर्स और इंजीनियर बनाएगी सरकार, हेमंत सोरेन। पलामू प्रमंडलीय रोजगार मेला में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, 5000 युवाओं को सौंपा ऑफर लेटर। पलामू जिले के मेदिनी नगर पुलिस लाइन स्टेडियम में श्रम विभाग के द्वारा आयोजित पलामू प्रमंडलीय रोजगार मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने रोजगार मेला में 5000 युवाओं को ऑफर लेटर सौंपा। इसके पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर पलामू प्रमंडलीय स्तरीय रोजगार मेला सह ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मनिका विधायक रामचंद्र सिंह, लातेहार विधायक बैजनाथ राम एवं मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम विभाग के नियोजनालयों में निबंधित बेरोजगारों और कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित युवाओं को ऑफर लेटर सौंपा। बिरसा योजना अंतर्गत झारखंड कौशल विकास मिशन तहत संचालित विभिन्न कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षित युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया। ऑफर लेटर पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर सीएम हेमंत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार झारखंड के लोगों को ठगने का काम किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के लोगों को आवास नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत जल्द लोगों को अबुआ आवास देगी, जिसकी लागत 2 लाख रुपए होगी। झारखंड के हर लोगों का अपना पक्का घर होगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पलामू आगमन पर च्यांकी हवाई अड्डा पर प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल, जोनल आईजी राज कुमार लकड़ा, पलामू डीसी शशि रंजन, पुलिस कप्तान रिश्मा रमेशन ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। च्यांकी हवाई अड्डा परिसर में मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे भी इस दौरान मौजूद थे। मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता च्यांकी हवाई अड्डा पहुंचे थे। मंत्री का प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल एवं उपायुक्त शशि रंजन आदि ने स्वागत किया। हवाई अड्डा पर उक्त पदाधिकारियों के अलावा मनिका विधायक रामचंद्र सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, समाज सेवी उपस्थित थे। ये प्राथमिकता भी होनी चाहिए और कई सरकारों की प्राथमिकता होती है। सरकार राज्य का हो या देश का हो, सरकार सड़क पुल पुलिया पीने का पानी, खेती के लिए पानी, कई आधार संरचनाओं के लिए तो काम करती है, राज्य अर्थव्यवस्था कैसे जुड़े इस पर भी काम करती है, किसानों की राय कैसे वृद्धि हो उसके लिए भी काम करती है, बूढ़े के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, यहाँ तक कि माँ के कोख में पल रहे बच्चे के बारे में भी सरकार चिंता करती है। उसी प्रकार नौजवान को कैसे सही दिशा दिखाई जाए, कैसे उसको एक बेहतर जीवन जीने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त करे, ये भी सरकार का। और कई लोग इतने काबिल भी होते हैं जो खुद से रोजगार भी खोज लेते, खुद से नौकरी भी पा लेते, खुद से स्वरोजगार भी कर लेते हैं और अपने पैरों पर खड़ा हो जाते।
लेकिन इसमें सरकार एक अहम कड़ी के रूप में खड़ी रहती है। कि सरकार किस तरीके से लोगों को विभिन्न आयामों से जोड़ती है। आज का ये रोजगार मेला पहला नहीं है, हम लोगों ने अनेकों रोजगार मेला लगाए और आपको जानकर खुशी होगी श्रम विभाग के तरफ से सर अब तक 30,000 से अधिक बच्चों को हम लोगों ने विभिन्न संस्थाओं में रोजगार दिलाने का काम किया। आज इस कार्यक्रम को छोड़कर आपके यहां जो बच्चे प्राप्त करेंगे नियुक्ति पर, इससे पहले हम लोगों ने 33,000 के लगभग या उससे अधिक बच्चों को हम लोगों ने रोजगार दिया। ये विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के जगहों पर लोगों को भेजने का एक हम लोगों ने मुहिम बना रखी। बहुत सारे लोग आसपास में कई संस्थाएं होने के बावजूद लोगों को काम नहीं मिलता, तो सरकार अपने प्रयास, आपको मालूम होगा कि सरकार ने कानून बनाया है, इस रात में कोई भी संस्था काम करेगा गैर सरकारी संस्था उसमें 75% स्थानीय लोगों को रखना होगा। उनके तहत हम लोग ये कैंप गला लगाकर बच्चों को लोगों को रोजगार दिलाने का काम करें। सरकार की नियुक्तियां तो अलग निकल ही नहीं है, आज हमारे सरकार को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। कोरोना जैसा महामारी हम लोगों ने देखा, सुखाड़ की स्थिति हमने देखी और राज्य के लोगों को भूखा मरते हुए देखा, लेकिन सरकार बनने के बाद आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों की अरे नवीन ओझा सहनशीलता से एक विपत्ति आने के बावजूद भी इस राज्य में हमने एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं पाया। नहीं तो पूर्व के सरकारों की स्थिति ऐसी रही है कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा। एक नहीं दो नहीं दर्जनों लोग मर गए, ऐसा स्थिति। और इस राज्य को बेरोजगारों का राज्य बना करके रखा हुआ, ये तो कोरोना जैसा महामारी आया तब हमें यह पता चला कि इस राज्य से कितने बड़े पैमाने पर यहां के मतदान दूसरे राज्यों में पलायन करने चले जाए। रोजगार कोरोना काल एक तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती भी था, लेकिन इस राज्य के लिए हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा सिख भी रहा। जब हम उस कोरोना के पीरियड में हमारे जो मजदूर अलग अलग राज्य में फंसे हुए थे, वहां से हम हवाई जहाज से दो लोग रख के ला करके गांव में भेजने का काम करते, उसी दिन से हमने ये तय किया किस तरीके से राज्य के अंदर ही लोगों को रोजगार अधिक से अधिक उपलब्ध हो। दूसरे राज्यों में जाने का मना ही नहीं है, अगर अच्छा काम मिलता है तो दूसरे राज्य के लोगों को जाना चाहिए। अधिक पैसा मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी रोजगार मिलती है, तो लोग और मनुष्य का प्रवृत्ति भी है, लोग चलता रहता है और उस हिसाब में
व्यवस्था भी तरीका है। लेकिन हमारे इस राज्य के लोग मजबूरन बस नहीं हो जाने के लिए मजबूर हो ये ठीक है, और कुछ तो षड्यंत्र रच करके लोगों को काम से अलग किया जाता।